नहीं, तू नहीं बोला, देख देख अभी भी, अभी अभी भी आई क्या, देख। तो देखिए इडली हमारी बन चुकी है और इतना तो, बेटर तो और बना है। तो इधर भी देखिए आप, थोड़ा सा देखिए। सो लुक एट दिस, ये पत्थर है, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, पीछे का पेड़ का पोर्शन आ रहा है। लिपस्टिक ही मेन रहती है, क्यों लिपस्टिक बोलो, लिपस्टिक नहीं होता है, लिपस्टिक लिप्स लिपस्टिक। Welcome, oh welcome back to the another vlog. मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने नहा लिया है, 8:30 बज रहे होंगे और आज जल्दी नहा लिया है मैंने क्योंकि अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे। अब थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोगों को पता था, बताया था हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में। तो अभी नहा वहा लिया है ना तो एकदम अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है और कोई भी काम मैंने अभी तक किया नहीं है, घर के सारे काम पड़े हुए हैं। मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ आज सबसे पहले क्योंकि ना वो आलस ऐसा आ रहा था ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। अभी मैंने नहा लिया तो एकदम फ्रेश लग रहा है। तो अब घर के सारे काम मैं चालू करने वाली हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और घर इतना मैसी हुआ पड़ा है ना, मतलब मैं एक दिन भी ऐसा अपन ठीक नहीं रहो या कुछ नहीं रहो तो वो घर, मतलब हस्बैंड करते हैं लेकिन उनके हिसाब से करना और अपने हिसाब से करने में बहुत अंतर होता है। तो उन्होंने जितना उनसे हो पाया था उन्होंने क्लीन रखने की कोशिश की थी लेकिन मैसी तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो अभी मैं घर को क्लीन करने वाली हूँ, सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बिफोर वाला लुक कैसा है और फिर आफ्टर वाला दिखाऊंगी जब मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं जिम और मैंने अपना रियाज कर लिया है, एक्सरसाइज कर ली है और बस अभी आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि घर कैसा लग रहा है और उसके बाद फिर हम लोग क्लीन करेंगे, ठीक है। कितना मैसी पड़ा हुआ, अच्छा बाहर ना वो जो दुर्गा जी बैठे ना पंडाल में तो वहाँ पर ये गाने वाने बज रहे हैं सुबह सुबह के टाइम पे। तो देखिए हर तरफ मैस ही मैस, मैस ही मैस, मैस ही मैस। ये धोए हुए कपड़े हैं, कल धोए थे, यहीं पर रखे हैं, मैं बिल्कुल हालत में थी कि इसको फोल्ड करके भी रख दूं। फिर आपको दिखाते हैं बीच के रूम की हालत, तो लेट्स सी गाइस, इतना प्यारा लग रहा है ना। तो अभी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखिए किचन दिखाती हूँ, ये कपड़े मुझे वॉश करने हैं, मैंने इधर ही डाल दिए हैं ऐसे नीचे। कुछ कपड़े इधर वॉश हो रहे हैं, वॉश हो रहे हैं, बर्तन देखिए, लुक एट दिस, लुक एट दिस। और ये पता है ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरी पुरानी कई ज़माने की पर्स में से इतना इतना सामान निकला है ये, तो इसको भी ठीक करना है। तो ना कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है मुझे, तो मैंने ना मशीन में सबसे पहले कपड़े ही चला दिए थे और बहुत सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे तो मैं उसको ड्रायर में सुखा कर अभी बाहर ये डाल रही हूँ। धूप इतनी अच्छी निकलती है ना कि बहुत अच्छे से कपड़े अभी सूख जाते हैं, तो सबसे पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ ताकि शाम तक एकदम अच्छे से कपड़े सूख जाए। और अभी घर के भी ना बहुत सारे काम बचे हुए हैं। अच्छा आप लोगों को हमारे ये वाले व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ना कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, भूलना मत। और फिर आ गई हूँ मैं अंदर और ना जो कपड़े कल धोए थे वो बहुत सारे रखे हुए थे तो उसको मैं अभी क्या कहते हैं अच्छे से फोल्ड वगैरह करके उसको अलमारी में रखूँगी। और ना मेरे बाल थोड़े थोड़े लंबे हो रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बालों को मतलब मेरे ना बाल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे लेकिन अब वो झड़ना थोड़ा कम हो गया है और अच्छे बाल दिख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टाइल भी मार रही हूँ यहाँ पर अपने बालों को दिखाते हुए। इसके बाद मैं अपने जो सारे घर के काम है ना वो करूँगी, बहुत सारे काम होते हैं यार। मैंने सुबह इसलिए नहाया क्योंकि बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, आलसी लग रही थी लेकिन अब एकदम फ्रेश लग रहा था। तो सारे कपड़ों को मैं अच्छे से फोल्ड कर करके अलमीरा में रखूंगी। अभी फिलहाल तो ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से अभी जमाई हुई नहीं है, मुझे इनको प्रेस करके रखना था बाय द वे पर इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे और भी वीडियो वगैरह के काम करने थे तो मैंने अभी फटाफट से यही काम कर लिया है। तो कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए हैं, बहुत सारे कपड़े धो कर मैंने सुखा भी दिए हैं बाहर। और अभी ना ये जो बेड है इसको बेडशीट मैंने यहाँ चेंज करके वॉश करने के लिए दे दी है, तो बेडशीट भी अभी मेरे को न्यू बिछानी है तो निकाल ली है मैंने। और ना मेरे जो ये मतलब इधर सोफे ये जो पिलोस पड़े हैं ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मतलब पता नहीं बहुत ज़्यादा ये कलर इनका ऐसा था ना तो ये थोड़े से ना अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। और पिलो कवर्स मैं इसके लिए ना ले नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हैं तो पिलो कवर अभी मेरे पास फिलहाल कोई है नहीं, मैंने वॉश करने के लिए डाले हैं वो पिलो कवर्स, अब वो सूखेंगे तब तक अगर ये वाले पिलो कवर्स इस पे आएंगे ये वाले तो मैं इसको डालकर देखती हूँ अगर इसके अंदर फिट हो जाए तो, क्योंकि ना ये वाले जो हमारा ये वाला साइज़ है ना इसको बहुत ढीला है ये वाले, तो आई होप
कि ये इसके अंदर आ गया, तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं। नहीं तो फिर जब वो वॉश होके धुलेंगे तब मैं वो लगाऊंगी, तब मैं लगाऊंगी इसमें। तो फिलहाल तो मैं बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। ऐसी वैसी बोली तेरी नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली में तू मेरा। बाती खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं, ना तेरा पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी रा, तू आवे ता मैं पीवा तेरे नाल बैके जाते, मिठे मिठे गल करिए ना मुकेरा, हो जाना गला सचिए। ऐसी वैसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली मैं तू मेरा। तूने बाती हमारा वीडियो बहुत पहले ही डल जाना चाहिए था, मगर जिसको हमने एडिट करने के लिए दिया है। काई के लिए हॉस्पिटल चल दिन, हर दिन आपको कुछ ना कुछ पैर में दुखते ही रहता है ना। अरे तो मेहनत करनी, वो थोड़ा सा चीजें ऐसा नहीं होता कोई जिम वाले को एकदम इतना, कोई इतना नहीं हो रहा है क्या, मैं चलता नहीं क्या, ऐसा क्यों कर रहे फिर? तो थोड़ा वो पैर खिंचा गया है, नस खिंचा गई है। रोज वहां से आते और बस जिम से आने का तो थोड़ा सा पैर अकड़ जाता है ना, वो यानी बैठता हूँ ना मैं तो अकड़ जाता है वो। हाँ अभी क्या है, ये देखो सब कुछ आजकल चालू काम है, सब कुछ कुछ भी नहीं करना है और उसके लिए भी मेरे को यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है। और उसमें कुछ बोला थोड़ा सा, मैंने यही बोला कि मेरी लव मैरिज यानी मेरी अरेंज होती तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होता, सब मेरी बीवी लव वाली तो इनके पीछे डंडे लेके पड़ी है, पड़ी छे डंडे लेके। हाँ नहीं है क्या लव अरेंज वाली को देखना, मस्त एक नंबर सब मिलता। और एजी सुनते हो, मैं चाय ला दूं क्या आपको? अजी आपको मैं ऐसा कर दूं क्या? एजी आजकल कोई नहीं बोलता है। अजी अजी कितने अजी मजी मजी कोई नहीं बोलता है। अच्छा मेरे को प्यार से बोल, अजी सुनते हो? नहीं बोलती। एक बार ना अजी सुनते हो, ये नकली वाला नहीं, अजी सुनते हो? और अजी सुनते हो? और कैसे बोलूं बताओ? नहीं ऐसा वाला नहीं। तो कैसा? अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? वो दुकान से दूध का पैकेट, वो दुकान से दूध का पैकेट ला दो ना प्लीज। अजी सुनते हो? मैंने आपके लिए, मैंने आपके लिए पल्लो पल्लो वाला। अजी सुनते हो? मैंने आपके लिए इडली बनाई है, आप खाओगे? आप खाओगे? ठीक है। वो कितना प्यार रहता है यहाँ। ए चल रहे इधर आ रहे, ओए ऐसा कर रहे। बोला मैंने आपको आज, तो मैं तो देखो बोलता ना, मगर तू मेरे को अभी देख। तो अरेंज में भी कोई ऐसा नहीं, आप से इतनी बात होती है। आ, होती है तो जाओ ना, फिर अरेंज कर लो ना। ठीक है ना, तो कब की रही मेरे को, तू कब जा रही है? मेरे को भेज दो मेरे मायके में, तो जाने जा। तू कब जा रही है? अब मेरे को मिलेंगी नहीं ना, मैं इतनी, मेरी इतनी काबिलियत नहीं है ना, मेरे को अच्छी नहीं मिलेगी ना कोई। तो इतने हैंडसम हो
बाप रे, अबे मेरे जैसा, मेरे को तो कबाड़ी वाला बोलते हैं बे। अरे तो हर कोई थोड़ी बोलता है, जो जलते हैं वो बोलते हैं। क्या पता भाई। तो क्या, हाँ यहाँ काई के लिए आए थे, ये तो टाइम पास हो गया, ये काई के लिए आए थे अपन, ये मेरे को काई के लिए बुलाए थे, ये तो बता। ये क्योंकि मैं बना रही हूँ आज इडली, हाँ रेडीमेड इडली बैटर, हाँ तो ये 50 रुपए का वो था पैकेट था, मेरे ख्याल से कितनी बन जाएंगी इसमें, इतनी तो बनी जाएगी पूरी। तो सोचो 50 रुपए में, वैसे हमको दो खाने, चार हाँ, खाने को मिलती है तो, चार खाने को मिलती है, थोड़ा टेस्ट अलग रहता होगा ना, चार तीन सात, सात दुनी चौदह, चौदह मिल जाएंगे। अच्छा तो देखिए इडली हमारी बन चुकी है और इतना बैटर और बना है, तो इधर भी देखिए आप थोड़ा सा, देखिए खुद ने किया, क्या किया मैंने, मैंने क्या किया है, प्रेस नहीं की, कुछ करके रखती है क्या, और चड्डा तो कितना सा कर दिया इसने। मैंने क्या क्या दो दो के घस दिया लापट से, अभी टाइम है, अरे 25 दे देना है यार, मैंने पक तो गई है ना, ये तो खा ही सकता हूं, ऑब्वियसली गरम होगी अभी, अरे हम वो है ना, क्या है, हम क्या है, जुगाड़ू, जुगाड़ू नहीं वो सब चलता, कल क्या खाया था बता, कल तो इन्होंने मिर्ची नमक और चावल, क्यों आप बोले ना बंद हो गया, देखो आराम से जरा, पक्की की नहीं ला, थोड़ी सी देता, अच्छी लग रही कि नहीं, इसमें नमक नहीं है ना, इधर दाल और चावल भी रख दिए हैं और इडली अभी एक बार तो निकल गई है, ये ठंडी होगी इसको निकालूंगी, फिर ये वाली भी रख दूंगी, और किचन भी क्या मतलब है, क्या करेंगे उसका, डोसा बना लेंगे, तो तवा नहीं है ना अपने पास डोसे का। तो देखिए गाइस किचन पूरा अच्छे से मैंने क्लीन भी कर दिया है, तो देखिए गाइस किचन अच्छे से क्लियर, अरे ये नहीं किया ना शेल्फ, इधर का अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया है, सिंक भी पूरा खाली हो चुका है, ये अब भी हम लोगों ने खाया है फ्रूट, और आपको घर भी दिखाती हूँ एक सेकेंड, तो देख लीजिए एवरीथिंग इज क्लियर एंड सॉर्टेड नाउ, चलाना है तैयार हो गया है, मैंने बनाई है ये मसाला दाल, इसमें मैंने सांबर मसाला डाला, लेकिन सांबर जैसी सब्जियां नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी इडली बनाई थी तो इसलिए दाल बना ली है, और साथ में इधर चावल भी बनाया है, येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उबालते टाइम ना मैंने दाल में हल्दी डाली थी, और वो जो पानी है ऊपर आ गया था तो इसके अंदर भी गिर गया चावल के अंदर, एक साथ रखती हूँ मैं डब्बे में, तो इसीलिए ऐसा हो गया, तो चलिए लाओ दासी रखो नीचे, हम हाथ धो के आएंगे, दासी तो बहुत लगी होगी भूख, मैं तो खा दो तीन तो खा गई वैसे बिना नमक वाली, इतनी तेज भूख, ये देखो यहाँ से लेके ये एक दो तीन इधर से लेके इधर पूरा लाल कर दिया, और ये तुरु जब इसे नहीं मार रही थी, ये बहुत देर से मार रही थी, इधर का इधर का ये देखिए, हाँ ये दिख रही, और मेरे को उसी शक्ल देखो, अच्छा मैंने मारा ना देखो, हाँ मैंने वो इतनी जोर जोर के मारा, वो नहीं दिख रहा आपको ये, अच्छा अब सही तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ से लेके ये इधर तक के पूरा मार मार के लाल कर दिया है, ये ले और मार ले, ले 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 ले, तू तू क्या चाह कर रही है, ले
लेना मारना है कि ले मार लेना भाई ले ले तेरे को खुशी मिल जाएगी तो नहीं, यानी कि हमारा लाल नहीं दिख रहा तो हमको लगी नहीं है ना आपको लगी है तो तू को देखना से यहाँ से लेके यहाँ तक और किसको आते तू होता ये छप गई है तेरी उंगलियां आप मेरे को मारोगे तो मेरी भी छपेगी अच्छा ठीक है मैं मार के देखता चल मारू मैं हाँ। मार रहा तो मैं अच्छी जम के मार दी कहाँ पे यहाँ पे मार ले कहाँ कुछ जोर के मार जोर तो जोर के तो मैं आईसीस तो मार रहा हूँ तेरे गाल पे भी अच्छा हाँ ठीक है दिख रही है नहीं तू नहीं बोला देख देख अभी भी आई क्या देख अभी भी आया क्या देख ये क्या है तीन दिन दिख रही है एक दो दिन तो तू ही जो बोली देख अब रो क्यों रही तू ही बोली ना लेना तो ले तेरी इच्छा पूरी कर लेना तो तू क्या चाह रही है ले सो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी मुझे करना अरे तो ये साड़ी जो आज मैंने पहनी है ना ये इतनी चिपक रही है तो हम लोग हो गए हैं रेडी हमारे शूट के लिए एक सॉन्ग शूट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और ये वाली साड़ी मैंने आज पहनी है तो चलिए वहीं चलते हैं वहीं आप लोगों को दिखाएंगे फुल लुक तो हम लोग आ चुके हैं हमारी आज की लोकेशन पे जहाँ पर हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं आज तो ये है वो लोकेशन सो लुक एट दिस ये पत्थर है यहाँ पर भी ले सकता हूँ पीछे का पेड़ का पोर्शन आ रहा है तो चेहरे पर आ रहा है तेरे यहाँ बैठ सकती हूँ तो ये है भाई आज की लोकेशन ये है हमारे इधर का साई मंदिर है ना एक बार और आए थे अपन यहाँ मेरा ब्राइडल शूट था वो करने के लिए ये है देखो यहाँ का मेन यहाँ पर ना ये पूरा पानी बहता है अभी पानी नहीं बह रहा ज्यादा क्या हो गया कुछ नहीं हो रहा चल चल धीरे से जाना मगर बस हाँ तो तू कीड़े तेरा क्या करेंगे चल 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 जा 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 धीरे धीरे जा हाँ तो तू सीधे आगे जा वहां पर बैठना है वहां पर जा तो सही वो भग जाएंगे कीड़ों की महारानी आ रही है इसलिए वो भग जाएंगे वो बस बैठ जा पीछे मुंडी ऐसा मुंडी करके उधर मुंडी हाँ जाना वहां जाना बैठना तब तेको कम मस्ती कर धीरे से आना गिरना मत बस धीरे आना उधर 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 साइड में बिना चश्मे के कीड़े भी नहीं दिख रहे थे हाँ हाँ ठीक है धीरे तो हाथ भी नहीं पकड़ सकता मेरे हाथ में गिम्बल एक तो पसीना पसीना हो गई अब ये क्यों पसीना पसीना हुई है ये आपको रील में देखने के लिए मिलेगा मैं तो छोटा सा सॉन्ग शूट करना चाह रहा था सॉन्ग छोटा करना चाह रहा था मगर ये मैडम जी बोली कि इसको बड़ा करना है थोड़ा बड़ा करना है लोकेशन देखो कितनी प्यारी है बस लोकेशन पे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि प्रणुगढ़ अरे ऐसा घिसना नहीं कभी चेहरे को नहीं नहीं मेरे को पता है तेरी आदत घिसना नहीं कभी चेहरे को देख पूरी चमकीली तेरे चेहरे पर लग गई है अब लगने दो पर मेरा पसीना तो हटना चाहिए तो दो मिनट तो होल्ड करके क्या हो रहा तो हटा ये पूरी चमकी लग गई यहाँ तेरा तो पूरा जो मेकअप है तेरा तो पूरा निकल गया है उस तेरी लिपस्टिक सही रहना चाहिए क्योंकि लिपस्टिक ही मेन रहती है क्यों लिपस्टिक बोलो लिपस्टिक नहीं होता है लिपस्टिक लिपस्टिक लिप्स पर टिक इसलिए बोलते हैं लिपस्टिक अब भी तेरे को रुमाल खरीद के देता हूँ मैं ठीक है ये बार हम लोग प्रैक्टिस अबे वहाँ तो एक भी मिनी व्लॉग नहीं लिए वहाँ पर तुम लिए हाँ ये क्या इस बार हम पहली बार कर रहे हैं ऐसा टीवी के सामने बताना कैसा लगा आप लोग का ना ये बंद कर दे यार ये पर्दा
झंडा गाड़ दे ओ पंडा बाबा झंडा गाड़ दे।